वैसे तो बता दो कि इस टॉपिक्स पर बहुत लंबे समय के बाद ही इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि बात करता हूँ सैमसंग के A30 को लेकर, और सैमसंग के A30 जो कि आपको 2019 में से लॉन्च किया गया था और इसे कई मेजर अपडेट्स मिलने थे। और अब ये सबसे सभी लोगों का ये सवाल है कि अब सैमसंग के गैलेक्सी A30 को अब क्या इसे एक और मेजर अपडेट दिया जाएगा, जो कि एंड्रॉयड 12 बेस पर One UI 4.0 का अपडेट। अब इसके लेकर बहुत सारी बातें पूछी जा रही है। आज की वीडियो में डिटेल्स में हम बात करेंगे इसी टॉपिक्स पर लेकर, सैमसंग की A30 को लेकर और इसकी अपडेट्स को लेकर पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपको इस वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वीडियो को एक लाइक कितने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार लेके आते रहता हूँ। तो भाई बात करते हैं सैमसंग की A30 को लेकर। सैमसंग का A30 गाइस 2019 में लॉन्च किया गया था। जब इसे लॉन्च करने के बाद इसे कई अपडेट दो मेजर अपडेट्स मिलने थे, जो कि गाइस अभी तक बात करूं तो इसे दो मेजर अपडेट्स को लेकर 2000 एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिला था और वही इसके बाद एंड्रॉयड 11 का अपडेट देखने को मिल गया था। और बात करें इससे पहले मेजर अपडेट में बहुत ही विवादित रहा था इसका मेजर अपडेट, जो कि एंड्रॉयड 10 का अपडेट था। एंड्रॉयड 12 के अपडेट जब इसे मिला था उस वक्त इसे बग्स के साथ रिलीज किया गया था, तो बहुत सारे इसके स्मार्टफोन को प्रॉब्लम दिक्कतें देखने को मिल गई थी। तो इसके बाद बहुत विवादित में ये स्मार्टफोन भी रहा था। और फिर उसके बाद आपको देखने को मिल गया था सैमसंग के इसके A30 का एंड्रॉयड 11 का भी अपडेट, और जो कि एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी मिला समय एक वर्ष हो गया है। अब सभी लोग ये लगाए उम्मीद बैठे हैं कि अब सैमसंग के अपनी क्या तीसरा OS अपडेट इसके देखने को मिल सकता है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A30 के एंड्रॉयड 12 बेस पर One UI 4.0 का अपडेट। वैसे तो बता दूं कोई भी सैमसंग किसी भी स्मार्टफोन को दो मेजर अपडेट देखने OS अपडेट देखने को मिलता है, जो कि इसी दो OS मेजर अपडेट देखने को मिल चुका है। अब इसकी बात रही सिक्योरिटी पैच के द्वारा, तो इसे सिक्योरिटी पैच का अपडेट अभी भी एक साल देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3 साल तक इसे लगातार सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब अभी बात रही सैमसंग के जो OS अपडेट्स को लेकर एंड्रॉयड 12 को लेकर, तो इसके लेकर कोई ऑफिशियली खबर नहीं है, इन ऑफिशियली या कह सकते इस तरीके से कोई भी ऐसे एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं दिए जाने वाला है। और वही बात के लिए किसी और तरीका से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दुनियादारी से इसे अपडेट किया जा सकता है, तो उसके अपडेट कम है उसको भी किया जा सकता है। बट बात करूँ तो इसे ऑफिशियली कोई भी अपडेट दिया जाने वाला नहीं है, अभी तक कोई खबर नहीं है ऐसे लेकर। इन फ्यूचर कभी ऐसी खबर निकल के आती है तो मैं इसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन आप सभी को करा दूंगा, क्योंकि हमको पता है कि मेरे चैनल पर सबसे 30 के 50 के ऐसे से यूजर्स जुड़े हुए हैं। तो बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स लेकर, सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स इसे लगातार देखने को मिलते रहेगा और जो भी मिल रहा है और इसे आने वाले समय और भी देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई आपका सवाल और जवाब का क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो सैमसंग की 30 की लेकर थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।